जब मैंने आपको जब ये भी दिखाया था ना, वो भी बिल्कुल ऑफ बीट थी। ये पूरे ही फट गया, ये देखो। मेंटल हेल्थ की कंधे हैं, फिजिकल हेल्थ तो हम भी बना रहे हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू संकी ब्लॉगर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। तो अब मैं आया था मैकडॉनल्ड्स। एक्चुअली हम जा रहे थे चहल, जो शिमला के से थोड़ी सी हाइट पे है, और बीच में ब्रेक लिया, मैकडॉनल्ड्स दिखा तो सोचा बर्गर खा ले। तो यहाँ पे मैंने खाया था एग मफिन, अच्छा था, सॉसेज वाला। तो अभी तो देखो एंट्री बंद थी, हम तो घुस गए थे अंदर, तो गार्ड भैया बोल रहे कि एंट्री बंद हो चुकी है। तो बस अंदर मैं तो खा चुका हूँ, बस मैं आलू टिक्की की वेट कर रहा हूँ, और मिलते हैं आपको चहल में। बाकी मौसम बहुत अच्छा है, देखो बादल, इतने प्यारे प्यारे बादल है यार, मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है। और अभी टाइम हो रहा है 6, हम निकले थे 1:30 और 6 बजे तक हम यहाँ पहुँच गए, मतलब हमें आधा पौना घंटा यहाँ भी हो चुका है, 45 मिनट्स के आसपास यहाँ हो चुका है। हाँ, तो अभी पहुँच जाएंगे 3 घंटे में, और तो हम टाइम से पहले ही चल रहे हैं। बाकी हमारा था कि हम दिन होगा तो हम पहाड़ शुरू कर देंगे, क्योंकि रात को पहाड़ तो रिस्की रहते हैं। बाकी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, कसम से बहुत अच्छा हो रहा है। तू उधर से पकड़, मैं इधर से पकड़ लेती हूं। अक्षय तू ये पकड़, नहीं एक मिनट एक मिनट पकड़ना, मैं तो कल कलरिंग करवा के। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो ये है चहल मार्केट, मतलब बहुत छोटी सी जगह है, ऑफ बीट सी। जैसे मैंने आपको जीबी दिखाया था ना, बिल्कुल ऑफ बीट। रुको, कैमरा साफ नहीं होगा इसमें, एक सेकेंड। जब मैंने आपको जब जीबी दिखाया था ना, वो भी बिल्कुल ऑफ बीट थी। तो ये भी चहल बहुत ऑफ बीट है, मतलब शिमला के से नीचे कंधागट का कट आता है, वहाँ से थोड़ी सी आगे है, छोटा रास्ता, पतला रास्ता है। शिमला तक तो हाईवे बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन वो पतला सा रास्ता, लेकिन बहुत ठंड हो रही है यहाँ पे ना, तो शुक्र है एक जैकेट ले आया था मैं टेम्परेचर देख के। बाकी ये चहल मार्केट है, देखो अभी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो इसके आधे घंटे और ऊपर है, मतलब थोड़ी और इससे हाइट पे है, तो वहाँ तो और ठंड होगी। तो लेकिन जगह बहुत, मतलब सांस आ रही है यहाँ पे, तो दिल्ली में तो सांस ही नहीं आती यार। और बस हम निकल रहे हैं, हमने तो थोड़ा सामान ले लेते, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी के आसपास कुछ भी नहीं है। तो हम मैगी मूगी ले रहे हैं, फिर शाम को अगर होगा तो आधा घंटा लगेगा वापस आने के लिए, और शिमला यहाँ से 2 घंटे दूर है, तो हम शिमला भी जाएंगे थोड़ी देर के लिए। ये पूरे ही फट गया, ये देखो पूरा फट गया, ये तो टायर खत्म है, ये पूरा टायर खत्म हो गया। ऐसा रास्ता है, और हम फंस चुके हैं। हम लिंक रोड थी ये, कोई वहाँ पे होटल जाने का शॉर्टकट था, ले तो लिया लेकिन टायर कट गया। अब देखो हॉस्टल से कुछ मंगवाया हमने, हेल्प बड़ी गाड़ी आएगी वहाँ से। अब स्टेपनी चेंज करने के लिए पूरा लगेज उतारना पड़ेगा इसका, ऑफ रोडिंग ऑन रॉन्ग। कहाँ से है तू, रजौरी की? बोंडी जी शक्ल की, उसको घर भेज यार यहाँ से, पहली फुर्सत में निकल। मैं लेकर आई हूँ उसको, चल निकल। तू लेने गया उसको। ओए ऐसा रास्ते में फंस गए यार, अब गाड़ी छोड़ भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। इतना बुरा, एक तो प्रेशर इतना बन रहा है, सबका बन रहा है। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। ऊपर से ये सीन हो गया। बल्ली हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बल्ली, थैंक यू बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू। ओके ओके ओके। तो ये अभी हमने होटल से गाड़ी मंगवाई है, अब वो भैया आके यहाँ पे स्टेपनी से चेंज करेंगे बैक करके, वो कर रहे हैं देखो। बस हमारा मतलब बच तो गए, लेकिन ठीक है, कभी कभी ऐसे एक्सपीरियंस भी ज़रूरी होते हैं, है ना। आज के लिए बहुत एडवेंचर हो गया।
उन्होंने तो सोचा तो सोएंगे जाके वैसे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इन्होंने भी हेल्प करी हमारी। बल्ली का हैप्पी बर्थडे हो गया है। जंगल में वाइल्ड, जंगल वाइल्ड। भैया आपको टायर बदलना आता है? नहीं। हाँ, नहीं, ये कुछ और हो रहा है। मतलब आप यहाँ टायर बदलते रहते हो? मतलब बदलना पड़ता है? पहाड़ों में तो बदलती रहती है हमारी। भैया इनकी बातों का मैं उनसे कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग टू टॉक टू हिम। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? मैं एक्सपीरियंस ना उठाऊं अब? आप भी सीख लो ना। हाँ, दैट्स व्हाई आई एम हियर। हमने जैक उठाना नहीं सीखा, पता? जो मेन काम था। ये तो कुछ भी नहीं था यार, ये तो डांस हो रहा है। मत कर ये सब। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। सुमन जी कौन है ब्रो? जी कौन कौन है? कौन हो आप? आप जाओ बाय। भैया हमने आपकी सुबह खराब कर दी क्या? नहीं 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 जी, ये तो कुछ नहीं है। जब हम दो दिन रहेंगे ना, बोलोगे सुबह कुछ वही नहीं। नहीं भैया, इनका मुंह देख के हम बहुत अच्छे गेस्ट हैं। आप रुक जाओ, बोले नहीं बोल रहे। तो ये प्रॉपर्टी है, थोड़ा ऊपर पैदल चल के आना पड़ता है। तो ये है प्रॉपर्टी। मेंटल हेल्थ ठीक करने आए थे, फिजिकल हेल्थ तो और भी खराब है। पर यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, ये देखो पूरा वैली का व्यू है। अरे नहीं नहीं वो सुन तो मैं। तो एक रूम ये है और सामने वॉशरूम ये वाला, और एक रूम हमारा ये है। और एक ऊपर है कमरा, एक ऊपर है टॉप में, देख लो। अच्छा, एक वो ऊपर वाला है कमरा। सही है, बहुत अच्छा व्यू है। तो ये आपको रूम दिखाया नहीं था, ये यहाँ का सबसे बढ़िया वाला रूम है। ये देखो, यहाँ यूपीवीसी लगी है और ये सीधा बाहर बालकनी का ऐसा व्यू है। देखो यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है और हम सो गए थे थोड़ी देर के लिए क्योंकि थके पड़े थे। अब उठे हैं, टाइम 5:30 हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और ठंड लग रही है। जैकेट पहन के ना थोड़ी आग वाग जला के यार सेकने पड़ेंगे हाथ, बहुत ठंड हो रही है आपको। तो ये है प्रॉपर्टी, ये वाला तो बस बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी। व्यू तो बहुत अच्छा है यहाँ से, देखो बादल सब कुछ। और ये भी आ गए दोस्त थोड़े से। तू भी इधर आ जा, तू क्यों शर्मा रहा है? शेड के नीचे आ जाता। बाकी बहुत सही प्रॉपर्टी है। चलो आज का ब्लॉग इतना ही, अब थोड़ा हम सेट होने की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, उससे अच्छी लगी तो शेयर कर देना। 100% की ब्लॉगर आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। बाय।